नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वे टू स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021, जिस किसी ने बीएचयू प्रवेश परीक्षा यूजी पीजी एलएलबी या किसी चीज़ का फॉर्म भरा था, उनका यहां पे एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया है जो कि ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी हो चुका है। यहाँ पर देखिए, 28 सितम्बर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। किस किस का कब कब एग्ज़ाम है वो आज किस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे टाइमिंग भी वहाँ पर दे दिया जा चुका है। यहाँ पे देखिए, डाउनलोड एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पे सब दिया जा चुका है। एडमिट कार्ड कब से डाउन होगा, सब चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहे वीडियो में बिना स्किप किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएँ लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। ये चलते हैं गूगल में। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। देखिए, गूगल ओपन होने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे sarkarirezult.com। यहाँ पे लिखेंगे sarkarirezult.com। देखिए आ गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है sarkarirezult, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा sarkarirezult.com का न्यू पेज ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ और एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए यूटी 2021 एग्जाम डेट, BHU PAID 2021 एग्जाम डेट, तो BHU PAID 2021 एग्जाम डेट पर हम क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो गया है। स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ डाउनलोड एग्जाम शेड्यूल, इसके आगे क्लिक हियर का साइन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ डाउनलोड का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है, तो हमको इस पर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड क्लिक करने के बाद डाउनलोड होने जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए बीएचयू का जो एग्ज़ाम ले रहा है NTA द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए 28 सितम्बर से एग्ज़ाम 28 सितम्बर और 30 सितम्बर के बीच में होगा। पेट का एक जो एग्ज़ाम होगा 28 से 30 सितंबर के बीच होगा और 3 और 4 अक्टूबर के बीच में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। 28 से चलेगा और 4 तारीख तक इसका एग्ज़ाम होगा, जिसमें यूटी और पेट दोनों का एग्ज़ाम चलेगा। 28 से 4 अक्टूबर के बीच में होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा। देखिए यहाँ पर हम नीचे आएँगे तो यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि आपको किस तारीख का एग्ज़ाम है या किस तारीख को कितने बजे एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एम ए फ्रेंच का एग्ज़ाम है 28 सितंबर को, जो कि 8 बजे से 10 बजे के बीच में, सुबह 8 से 10 बजे आप देंगे। यहाँ पे दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए MSc फिजिक्स, जो कि 28 से एग्ज़ाम शुरू, 28 तारीख को इसका एग्ज़ाम है। सुबह 8 बजे से 10 बजे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 8 से 10 बजे के बीच में है, वो कि 28 तारीख का है। इसी तरह आप देख पा रहे होंगे जिस किसी का एग्ज़ाम हो, यहाँ पे डेट और टाइमिंग देख लीजिएगा। आप नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर जिस किसी ने BEd का फॉर्म भरा होगा, BEd ह्यूमनिटी साइंस सोशल साइंस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनका एग्ज़ाम 29 तारीख को है, 5 बजे, शाम 5 से 7 बजे के बीच में है उनका एग्ज़ाम। BEd मैथमेटिक्स से जो भी दिया होंगे, फॉर्म भरे होंगे, उनका एग्ज़ाम है 29 तारीख को 5 से 7 के बीच में है, जो कि 5 से 5 और 7, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 5 बजे से आपका एग्ज़ाम होगा, 7 बजे तक एंड हो जाएगा एग्ज़ाम। यहाँ पर देख सकते हैं जिस किसी का एग्ज़ाम MSc कंप्यूटर साइंस, जिसने MSc कंप्यूटर साइंस से फॉर्म भरा था, उनको उन लोग का एग्ज़ाम 30 तारीख को है। यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए जिस किसी ने फॉर्म भरा होगा, यहाँ पे आप डेट एंड टाइमिंग देख लीजिए, यहाँ पे सब दिया हुआ है। यहाँ पे एडमिट कार्ड में बात करूँ तो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड BHU की तरफ से जारी कर दिया जा चुकेगा। यहाँ पर आप सिंपली आप देख लीजिए कि किस किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, यहीं से आपका देख लीजिए। और एडमिट कार्ड का चिंता मत कीजिए, वो ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी हो जाएगा, तो हम आपको कन्फर्म कर देंगे कि आपका इस दिन एग्ज़ाम है, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लाता करूं। तो थैंक यू, जय हिंद।